लगातार बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। काफ़ी दिनों से ये अपनी समस्याओं को लेकर, मांगों को लेकर अपने सड़कों पर उतरे हुए हैं। विद्युत जो कर्मचारी हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में ये संघर्ष इनका लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज ये डीएम आवास पर कुछ बिजली कर्मचारी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर धरना देने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कर्मचारी जो हैं लगातार संघर्ष अपने करते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे तक काफ़ी भीड़ है, कर्मचारी काफ़ी क्रोधित हैं सरकार के प्रति। राज्य विद्युत परिषद द्वारा ये धरना दिया जा रहा है। अब डीएम आवास पर देखना है कि क्या कुछ होगा वहाँ पर। निजीकरण का विरोध में लगातार धरना जारी है। सरकार विरोध नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं सब। नहीं, आज हम ऊर्जा क्षेत्र में जो निजीकरण का फैसला हुआ है उसी के लिए हम ये विरोध कर रहे हैं। ये पैदल मार्च उसी के विरोध में निकाला जा रहा है और हम एक ज्ञापन आज माननीय जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे कि ऊर्जा क्षेत्र में जो निजीकरण के अनुभव पूरे देश में फेल हुए हैं तो उत्तर प्रदेश को एक तरह से प्रयोगशाला न बनाया जाए और आगरा से सबक लेते हुए और केस्को को देखते हुए जो निजीकरण का निर्णय 5 शहरों और 7 जनपदों में किया गया है उसको तत्काल वापस लिया जाए। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मेरा नाम जीवी पटेल, केंद्रीय महासचिव राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। जैसे कि लगातार संघर्ष जारी है, शक्ति भवन में कई दिन से लगातार संघर्ष चल रहा है। हाँ। काफ़ी लोग संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार इसका फैसला क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, फैसला हमें लगता है सही बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है और इसीलिए हम सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाह रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाह रहे हैं और अगर वो हम लोग की बात सुनेंगे तो हमें लगता है वो शीघ्र निर्णय करेंगे और ये निजीकरण समाप्त होगा और यहाँ पर एक सार्वजनिक व्यवस्था में सही काम कैसे किया जाए इसका निर्णय हो जाएगा। क्या कोई ठोस कारण है इसका या इसके पीछे कोई वजह है या कुछ लोग हैं जो इसको नहीं होने दे रहे? नहीं, ऐसा अब कुछ होंगे तो अंदर खाने की वो बात हो सकती है लेकिन निश्चित तौर पर सही चीज़ें मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाई जा रही हैं, ऐसा हमारा मानना है। इतना विरोध हो रहा है उसके बाद सरकार कार्रवाई ठोस क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, अब विरोध होने के बाद भी सरकार संज्ञान में ले ये हम अपील करते हैं और ये हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही, हम जनता को संकट में नहीं डाल रहे हैं लेकिन जल्दी ही वो उस पर संज्ञान लें और सही निर्णय लें। प्रदर्शन में जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी, निकम्मी सरकार नहीं चलेगी, तमाम तरह के नारे इस प्रदर्शन में लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो बिजली कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। लगातार संघर्ष इनका जारी है लेकिन सरकार इस पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही, क्या कारण है, इसके पीछे क्या कुछ है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शाहरुख खान के साथ जाहिद अली की रिपोर्ट, प्रेस मैन न्यूज़, लखनऊ।